हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आई नो यू ऑल आर फैमिलियर विथ व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट लेट्स रिकॉल इट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। एंड आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ही डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, Before starting osmotic pressure, I want to tell you something about osmosis. Osmosis, as per the definition, says the phenomena of flow of solvent molecule through a semipermeable membrane from a pure solvent to the solution is called osmosis. मतलब osmosis एक ऐसा process है जिसमें solvent molecule move करते हैं through a semipermeable membrane. Okay? सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, मतलब वो प्योर सॉल्वेंट से निकलकर सॉल्यूशन की साइड को एंटर करते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। सो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस को हम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम समझते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आखिर हैं क्या। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर द मेम्ब्रेन विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू देम। दीज मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी कंटिन्यूस शीट और फिल्म्स, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शीट की तरह होती हैं, बट ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से मूव करने देती हैं। दैट मीन्स ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपने से मूव नहीं करने देती, केवल और केवल इनके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं। ओके, they did not allow the solute molecules to pass through it. The reason is that the semipermeable membrane has very tiny pores. Okay, इनमें बहुत छोटे छोटे pores होते हैं, so इससे केवल और केवल solvent molecules ही pass हो सकते हैं। As हम जानते हैं solute molecules का size बड़ा होता है, so solute molecules cannot pass through it. So semipermeable membrane basically are of two types. One is naturally and number two is artificial. So semipermeable membrane क्या करेगी? केवल और केवल solvent molecule को pass होने देगी. Okay, so understand. So osmosis को अब हम diagram की help से समझते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने एक बड़ा vessel लिया है जिसके बीच में एक semipermeable membrane fit करी गई है. ठीक है, now इसके इस साइड पर लिया गया है प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन्स हमने वाटर लिया है एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर. ठीक है, एंड इस साइड पर हमने लिया है शुगर सॉल्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा इसमें? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, या हम बोल सकते सॉल्वेंट है, वो कहाँ मूव करेगा? शुगर सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके स्टूडेंट्स, सो यही प्रोसेस है ऑस्मोसिस की. हमने डेफिनेशन में समझा कि एक प्रोसेस है या फिनोमेना है जिसमें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करते हैं एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड मूव करते हैं, इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की एक और डेफिनेशन है, वो है द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. मीन्स इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. ओके, लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन मूवमेंट होता है. सो सपोज देर इज अ बिग वेसल एंड इन बिटवीन द वेसल देर इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, सो नाउ देर आर टू सॉल्यूशंस, दिस इज सॉल्यूशन नंबर वन एंड दिस इज सॉल्यूशन नंबर टू. बोथ दीज सॉल्यूशन आर शुगर सॉल्यूशंस. स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन नंबर वन हैव मोर शुगर एंड सॉल्यूशन नंबर टू हैव लेस
शुगर। ना यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुगर क्या है? शुगर है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ही आपको पता है कि कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। कंसंट्रेशन केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स के कारण होती है। जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, ओके। जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स, मोर विल बी द सॉल्यूट पार्टिकल्स, मोर विल बी द कंसंट्रेशन। सो नाउ दिस सॉल्यूशन नंबर वन हैव मोर शुगर, दैट मीन्स इट इज मोर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एंड दिस साइड सॉल्यूशन नंबर टू हैव लेस शुगर पार्टिकल्स, दैट मीन्स लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सो इट इज अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, इफ वी हैव टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस, वन इज मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड अनदर वन इज लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मूव्स टूवर्ड द सॉल्यूशन विच हैव मोर कंसंट्रेशन। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के हैं वो मूव करेंगे टूवर्ड द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस क्या है? अगेन, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाइयर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। एज पर द डेफिनेशन सेज, द एक्सेस ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इन टू इट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो ये वो एक्सेस ऑफ प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन पे लगाया जाता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आई रिपीट, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स वो एक्सेस ऑफ प्रेशर जो कि सॉल्यूशन की साइड लगाया जाता है ताकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंटर कर रहे थे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो एंटर ना करें अब, ठीक है। तो कहाँ लगाया जाता है? सॉल्यूशन की साइड लगाया जाता है और ये एक एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है जो रोकता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस को। सो इट इज द प्रेशर दैट अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, इट इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ना ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई एंड पाई एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलैरिटी के, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर जो सी है वो क्या है? मोलैरिटी, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। सो नाउ दिस पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड अगर उसको मैं फॉर्मूले में लिखूं तो क्या होगा? सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो सी क्या है? मोल्स पर डिपेंड कर रहा है। सो अगर मैं यहां पर सी का फॉर्मूला रखूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। सो अल्टीमेटली जो पाई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मोल्स पर, ओके। सो पाई किस पर डिपेंड कर रहा है? दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? समहाउ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। और जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की मोल्स पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती हैं, उनको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। नाउ स्टूडेंट्स, पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो यहाँ पर सी क्या है? हमको पता है सी है मोलैरिटी और मोलार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ इन दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ रखा जाए तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी बोथ,
molarity and absolute temperature. Now when we solve this, we get a constant R, which is known as gas constant. So pi is equals to RCT, or we can say that pi is equals to CRT. Okay, so ye jo equation hai, ye equation hai osmotic pressure ki. This is the equation of osmotic pressure, pi is equals to CRT. Now student, we are going to determine the molecular mass of solute with the help of osmotic pressure. अब हम osmotic pressure के help से molecular mass of solute को determine करेंगे, okay? So उसके लिए एक derivation है. We know that pi क्या है? Osmotic pressure. Pi is equals to CRT, okay? This is equation number one. So ये osmotic pressure की equation है, formula है, and we know that C क्या है यहाँ पर? C is the molar concentration of सॉल्यूशन. ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी. ठीक है, तो सी यहाँ पर है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. नाउ मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ओके, सो सी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो सी इज इक्वल्स टू एन, एन है नंबर ऑफ मोल्स एंड बी है volume of solution in liters. Now we are going to put this term in equation number 1. ठीक है, so हम C की ये value, ये term यहाँ पर 1 में equation number 1 में put करेंगे and we get pi is equals to n by v RT. And we will give equation number 2 to this term. ठीक है, इसको हमने equation number 2 माना है. Now students, n क्या है? N है number of moles of solute. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और जो मोल्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. सो यहाँ पे सॉल्यूट की बात हो रही है, सो मोल्स क्या होंगे? एन इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. सो एन इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. सो एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी. डब्ल्यू बी इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट. बी क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर? बी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को. ओके, ए रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को. सो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज डब्ल्यू बी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज एम बी. सो एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाय एम बी. ओके, नाउ ये वाला जो टर्म है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में एन की जगह पर. ठीक है, सो वी विल गेट पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाय एम बी इन टू आर टी बाय वी. ओके, नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इन टू आर इन टू टी बाय एम बी इन टू वी. सो पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इन टू आर टी बाय एम वी. नाउ इस डेरिवेशन का जो एम था वो था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालना. ओके, सो एम बी क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है. नाउ वी विल शिफ्ट दिस एम बी टू दिस साइड. सो एम बी यहाँ पर आएगा एंड पाई विल शिफ्ट इन द डिनोमिनेटर एंड द इक्वेशन विल बी और द फॉर्मूला विल बी एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी बाय पाई इंटू वी. सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक. Now student, I am going to explain you about Berkeley-Hartley apparatus or Berkeley-Hartley method. It is an experimental method to measure osmotic pressure. Board mein bahut baar is par question puche gaye hain. So this is the complete apparatus. Now this apparatus is made up of steel in which a porous pot is fitted. ये पूरा एपरेटस स्टील का बना होता है जिसमें बीच में एक पोरस पॉट फिट किया जाता है. इन द पोरस पॉट कॉपर फेरोसाइनाइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज डिपॉजिटेड. मीन्स पोरस पॉट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कॉपर फेरोसाइनाइड जो कि डिपॉजिटेड किया जाता है या फिर लगाया जाता है. नाउ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द porous pot there is a capillary tube and on the right side there is a funnel or we can say that water reservoir.
on the top of the steel vessel there is a piston and a pressure gauge. Piston is used to apply osmotic pressure and pressure gauge is used to measure osmotic pressure. Now the porous pot is filled with water. Porous pot को water से fill किया जाता है और जब तक fill किया जाता है जब तक ये पूरा भर ना जाए और जब ये पूरा भर जाता है उसके बाद का जो water होता है वो capillary tube में fill हो जाता है और जो भी उसका top point होता है उसको हम note down कर लेते हैं. And जो steel की vessel होती है उसमें fill किया जाता है solution को. So, porous pot and steel vessel are filled with water and solution respectively. Now, the osmosis starts. Water moves into the steel vessel from porous pot through semi-permeable membrane. Means, यहाँ पर जो water होता है, जो कि एक solvent है, ठीक है? वो solution में enter करता है through semi-permeable membrane because क्यों मूव करता है? Because यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है, that means ये लो कंसंट्रेशन का है, and यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, that means it is of higher concentration. So according to osmosis, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एंड दिस इज शोन बाय फॉल इन वाटर लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब. ये जो भी वाटर यहाँ से यहाँ एंटर होगा वो पता लगेगा किससे? कैपिलरी ट्यूब में वाटर के लेवल को लेवल के कम होने से. ना यहाँ पर जो पिस्टन है वो क्या करेगा कि वो एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा, दैट मीन्स वो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा जो कि इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकेगा. ठीक है, तो अब जितना भी वाटर यहाँ से यहाँ मूव किया है वो अब वापस एंटर करेगा पोरस पॉट में. एंड जैसे ही वो पोरस पॉट में एंटर करेगा वाटर का लेवल कैपिलरी ट्यूब में वापस से इंक्रीज हो जाएगा एंड ये वापस से उसी पॉइंट पर चला जाएगा जब पूरा का पूरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि सॉल्यूशन में एंटर किया था बाय ऑस्मोसिस वापस आ जाएगा. तो वाटर का लेवल वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा और वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रोक दिया जाएगा. दैट मीन्स द फ्लो ऑफ वाटर इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन. नाउ जब वाटर अपने लेवल पर वापस आ जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर को रोक दिया जाएगा तब वहां पर प्रेशर गेज के थ्रू उस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर लिया जाएगा. सो इस एपरेटस की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं. दिस इज द कंप्लीट मेथड. नाउ व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड? दिस मेथड इज यूज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. नंबर वन इज इट टेक कंपैरेटिवली लेसर टाइम टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने में इसमें कम टाइम लगता है. दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट चेंजेस हैंस इट गिव्स बेटर रिजल्ट. क्योंकि एक बार जो सॉल्यूशन आपने इसके स्टील वेसल में जो डाल दिया है उसकी कंसंट्रेशन बार बार चेंज नहीं हो पाती है या नहीं होती है, इसीलिए बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं. नंबर थ्री इज एज हाईर प्रेशर इज नॉट एक्सर्टेड ओवर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सो इट डू नॉट ब्रेक्स. क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर डायरेक्टली नहीं पड़ता है इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं हो पाती है. नंबर फोर्थ इज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड. ज़्यादा अमाउंट का ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसके थ्रू मेजर किया जा सकता है. So student, this is the complete explanation of osmotic pressure. In this we studied about osmosis. Osmosis is a process in which solvent molecule flow through a semi-permeable membrane from solvent to solution or from lower concentrated solution to higher concentrated solution. Then we studied about osmotic pressure. It is the pressure that applied to the solution to prevent osmosis.
एंड ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मीन्स पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी एंड देन वी डिराइव्ड अ डेरिवेशन इन विच वी यूज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वी कैन डिराइव द मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड द फॉर्मूला इज हियर. And then we studied about Berkeley Hartley apparatus. This is the experimental method to measure osmotic pressure. Now student, we are going to do a numerical on osmotic pressure. In this 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein containing 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molecular mass of protein. So in this 200 centimeter cube ka solvent mein 1.26 gram of solute which is a protein is dissolved. And the osmotic pressure for the solution is also given. And we have to calculate the molecular mass of protein. So here we have to calculate the molecular mass. So we have to use the formula which is MB is equals to WB into RT by pi by B. This formula. Jo is question mein given hai wo hai WB. That is given mass of solvent which is a protein which is 1.26 gram. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 सेंटीमीटर क्यूब. सो स्टूडेंट हेयर वी कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स. वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर एंड वी गेट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 0.001 लीटर. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 0.001 लीटर के. सो 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 0.200 लीटर्स के. सो हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया है लीटर में. देन पाई की वैल्यू गिवन है विच इज 2.57 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार एंड टेम्परेचर इज आल्सो मेंशनड इन केल्विन विच इज 300 केल्विन. आर आर इज अ गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है जो है 0.021 विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 0.083 बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल दीज वैल्यू इन द फॉर्मूला एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी बाय पाई इंटू वी. सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड देन वी गेट द आंसर विच इज 61039 ग्राम मोल इनवर्स. नाउ स्टूडेंट्स द टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर एंड्स ओवर देयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यू टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस. क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स कम्स ऑन दिस टॉपिक इन बोर्ड्स. नाउ लेट्स स्टार्ट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर masses. Molecular mass of a solute can be calculated by measuring any of the colligative property while deriving the relation between colligative property and molecular masses. That means हमने कुछ colligative properties अभी previous classes में पढ़ी और उनमें हमने molecular mass of solute determine करने का तरीका भी पढ़ा. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं. बट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मॉलिकुलर मास कैन बी कैलकुलेटेड इफ द 2 कंडीशंस मीट्स एंड दीज 2 कंडीशंस आर नंबर 1 द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट. सो पहला है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए तभी वो रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे. एंड नंबर 2 इज विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन से क्या है, एसोसिएशन मीन्स मिल जाना और डिसोसिएशन मीन्स बिखर जाना. ठीक है,
अलग हो जाना। सो जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, जब हम उसको सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोई भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए जब वो सॉल्यूशन बन रहा है। ओके, सो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तभी एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं होती हैं, फुलफिल नहीं होती हैं, तब एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करी जाएगी, और उस टाइम जो मॉलिक्यूलर मास में डेविएशन आएगा ना, चेंज आएगा, वो हो जाएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सो व्हेन द अबव अजम्पशंस आर नॉट वैलिड, वी फाइंड डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉन्सिक्वेंटली दिस गिव्स एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। इट मीन्स जब ये दोनों ऊपर की कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी, तब ऑब्जर्व्ड वैल्यू में और कैलकुलेटेड वैल्यू में, ऑब्जर्व्ड मीन्स जिसको हम उस टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके, एंड कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंसेज आएंगे, एंड इस डिफरेंसेज या डेविएशन के कारण एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, और उस टाइम जो वैल्यू होगी वो होगी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने से मॉलिक्यूलर मास चेंज क्यों हो रहे हैं और क्यों एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट हो रहे हैं। सो रीजन इज ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज also changes, and thus ultimately the observed molecular mass changes. This observed molecular mass is called as abnormal molecular mass. So reason है कि जब association होगा या dissociation होगा, जब molecules, solute molecules जब enter कराए जाएंगे solvent में, तो either association हो सकते हैं, या तो वो जुड़ सकते हैं, या तो वो बिखर के अलग हो सकते हैं, okay? सो जब अगर उनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन में, तब क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स के नंबर चेंज होंगे। अगर एसोसिएट होंगे तो दो मॉलिक्यूल मिलके एक बन सकता है, और डिसोसिएट होंगे तो एक मॉलिक्यूल मिलके अलग होके दो मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। सो इन दिस केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, एंड जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पर और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो इफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो गई तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, सो जैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएंगे, और उस टाइम जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा हमको, वो होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नाउ एग्जांपल्स ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आर, नंबर वन, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। इन बेंजीन एसिटिक एसिड गेट्स एसोसिएटेड। स्टूडेंट्स, the normal molecular masses of acetic acid is 60 gram per mole, okay, but jab ye benzene mein dissolve hota hai, when it get dissolved in benzene and makes a solution, us time par acetic acid gets associated and yahan par ye dimerized ho jate hain, theek hai, ek molecule dusre molecule se jud jata hai, theek hai, so dimerized ho jate hain, aur yahan par inka molecular mass double ho jata hai, its molecular mass now become 120 ग्राम पर मोल। नाउ स्टूडेंट्स, इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल था एसिटिक एसिड बेंजीन में एसोसिएट होके इसका मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होता है 120। नाउ देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ता है। यहाँ पर पहले एसिटिक एसिड दो मॉलिक्यूल्स थे, जब इसको हमने बेंजीन में डिसॉल्व किया, तब क्या हुआ, दोनों एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डाइमराइज हो गए, ठीक है, और ये दो मॉलिक्यूल थे पहले, दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, और अब ये मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है, ये डाइमर है, ये सिंगल मॉलिक्यूल हो गया है, ठीक है, कंबाइन होकर। सो हमको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। एज पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दो थे, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए बेटा, एक हो गया। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, ठीक है। और हमको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास में इनवर्स रिलेशन होता है। एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुई, दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हाफ हो गई। अब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो मॉलिक्यूलर मास कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास में इनवर्स रिलेशन है। ओके, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कम होने से मॉलिक्यूलर मास डबल हो गया। बेसिकली इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल, और अब जो इसका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होगा वो हो जाएगा 120 ग्राम पर मोल। ओके, क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुई तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, बढ़ गया, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो गई थी, तो मॉलिक्यूलर मास कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। Another example is KCl undergoes dissociation in aqueous solution, so it absorbed molecular mass is 37.25. Now students, जब हम KCl को water में डालते हैं तो KCl dissociate होता है, okay? Dissociate होता है K plus and Cl minus ions में, ठीक है। सो पहले ये एक मोल था, अब ये एक मोल डिसोसिएट हुए दो अलग अलग मोल्स में, सो यहाँ पर ये टोटल कितने मोल्स हो गए, दो मोल्स हो गए, एक के प्लस और एक सी एल माइनस। सो ये एक मोल ऑफ के सी एल डिसोसिएट होगा और हमें दो मोल्स देंगे, टोटल ये दो मोल हो गए, एक मोल के प्लस का और एक मोल सी एल माइनस का। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एज अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो गए, डबल हो गए, पहले एक था अब कितने हो गए, दो। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होने पर क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन इनवर्स है मॉलिक्यूलर मास के साथ, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास कम होगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास हाफ हो जाएगा। सो स्टूडेंट, बेसिकली KCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 74.5 ग्राम पर मोल। ओके, सो अब ये डिसोसिएट होने पर और दो मॉलिक्यूल्स देने पर इसका मॉलिक्यूलर मास कैसा होना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई है तो मॉलिक्यूलर मास कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास निकलता है वो होता है 37.25 ग्राम्स। सो ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, सो जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस है इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया फैक्टर निकाला गया। ओके, साइंटिस्ट द्वारा एक नया फैक्टर निकाला गया जिसको बोला गया वॉन्टॉफ फैक्टर। ओके, सो टू ओवरकम फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस अ न्यू फैक्टर इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड एज वॉन्टॉफ फैक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के कारण, सॉल्यूट के एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के कारण क्या हो रहा है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आ रहे हैं। जब हम उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनके थ्रू हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस निकलते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ वॉन्टॉफ फैक्टर सेज। सो डेफिनेशन इज, व्हेन द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऑकर इन द सॉल्यूशन, द रेशियो ऑफ नॉर्मल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड एज वॉन्टॉफ फैक्टर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। ओके, सो इस डेफिनेशन में ये बोला गया है कि जब भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तब जो रेशो होगा किसका, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का बाय
ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का उस रेशो को बोला जाएगा वॉन्ट हॉफ फैक्टर. ओके, सो आई इज द रेशो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो बेसिक हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं अपने. ओके, ना ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या है? जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमको एसोसिएशन या डिसोसिएशन के थ्रू निकला है. इन दोनों के रेशो को बोला जाता है वॉन्ट हॉफ फैक्टर. ना स्टूडेंट्स, इसको हम अलग वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. उसके पहले हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है उसका इन्वर्स रिलेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से. सो एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हैव इन्वर्स रिलेशन विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ना अगर हम इस इन्वर्स रिलेशन का यूज करें और आई के फॉर्मूले में पुट करें तो एक नया फॉर्मूला निकलेगा. आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. यहाँ नॉर्मल ऊपर था देन ऑब्जर्व्ड डिनोमिनेटर में था, यहाँ जस्ट उसका अपोजिट है. ना स्टूडेंट्स, अगर हम इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करें, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू पुट करें, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू पुट करें, तो कुछ वैल्यूज निकलेंगी. तो वो अलग अलग केसेस में अलग अलग निकलती. यहाँ पे हम उसको समझते हैं. वैल्यूज ऑफ आई इन केस ऑफ एसोसिएशन, मानो किसी रिएक्शन में एसोसिएशन हो रहा होगा, तब आई की जो वैल्यू निकलेगी वो हमेशा स्मॉलर देन 1 होगी. नाउ इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर किसी रिएक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे कि हमने KCl के एग्जाम्पल में पढ़ा था. ओके, सो उसमें उस केस में क्या हो जाएगा, जहाँ डिसोसिएशन होगा वहाँ आई की वैल्यू, डेट मीन्स वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो ग्रेटर देन 1 होगी. नाउ तीसरा केस है अगर किसी रिएक्शन में ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है. ओके, सो उस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 के बराबर होगी. ना स्टूडेंट्स, यहाँ हम समझेंगे कि हम कैसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज करेंगे टू करेक्ट द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और वी कैन से दैट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. सो स्टूडेंट्स, टू करेक्ट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास और अबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास, वॉन्ट ऑफ फैक्टर मस्ट बी इंक्लूड्स इन डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, दैट मीन्स एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस को करेक्ट करने के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो डिफरेंट एक्सप्रेशन थे उनमें यूज किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाय वॉन्ट ऑफ फैक्टर, दैट मीन्स आई इक्वेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मस्ट बी करेक्टेड एंड एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड एज. तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, नॉर्मल जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम. नाउ यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, बट मे बी अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो उस केस में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट होंगे. सो उसको सुधारने के लिए, उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर को उस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ये था ना, यहाँ पर हमने उसमें आई का मल्टीप्लाई किया जिससे कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो एंड हमको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस गेंड हो. सेम इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई किया इन के एफ एंड एम में. सेम फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, बट यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नॉर्मल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो सके. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर से. नाउ स्टूडेंट, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर का प्लस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर का. आई होप आप सबको समझ आया होगा. एंड नाउ स्टूडेंट्स, हियर द यूनिट 2 सॉल्यूशन एंड्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.